अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको इस नई वीडियो में खुशामदीद कहते हैं और आज की वीडियो जो है कैरियर गाइडेंस के बारे से और स्किल्स के हवाले से होने वाली है। आज की वीडियो में हम फोटोग्राफर के बारे से बात करने वाले हैं कि अगर आप फोटोग्राफर की फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपके पास ऐसी कौन सी स्किल्स हैं, और इस वीडियो में आपको 5 स्किल्स बताऊंगा। अगर आप इन पर काम करते हैं तो इंशाल्लाह अपनी फील्ड में कामयाब हो सकते हैं। अगर आपके पास ये पहले स्किल्स मौजूद होंगी, अगर इन पर आप काम करते होंगे तो इंशाल्लाह आप इनको पॉलिश करेंगे तो अपनी स्किल जो कि आपके फोटोग्राफर स्किल में अगर आप जाना स्किल सॉरी कह रहा हूँ फोटोग्राफर की फील्ड में अगर जाना चाह रहे हैं तो इस फील्ड में आप कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों उससे पहले आपको मैं एक जरूरी बात जो है बताते चलूँ, क्योंकि मैं जो रेगुलर वीडियोस जो अपलोड करी जा कर रहा हूँ इसका मतलब है कि मैं मतलब कि खुद से टॉपिक्स जो हम बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास टॉपिक्स नहीं है, बहुत ज़्यादा टॉपिक्स है, लेकिन आपको किस टॉपिक की ज़रूरत है, किस तरह की वीडियोस आप चाहते हैं आप उस के बारे में नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो उसके ऊपर मैं जो वीडियोज़ बनाऊंगा वो आपके ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा उसका कि आपको वीडियोज़ अपने मुताबिक मिलती रहेंगी। नहीं तो मैं तो वीडियोज़ जो है लगातार बनाता रहूँगा किसी भी टॉपिक के ऊपर जो कि मेरे पास बहुत ज़्यादा टॉपिक्स अभी माइंड में पड़े हुए हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं। लेकिन उससे पहले एक और छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जो है उसको लाजमी तौर पर प्रेस कर दें। उस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है, ताकि और भी बहुत सारे लोगों को जो है इस वीडियो से फ़ायदा हो सके और आपके जरिए से हो सके, ताकि आप भी इस अजीम जो कि स्वाब है इसमें आप भी शामिल हो सकें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आपको बताता हूँ कि ऐसी कौन सी 5 स्किल्स हैं जो अगर फोटोग्राफर के पास हो तो वो अपनी फील्ड में ज़रूरी कामयाब हो सकता है लाजमी तौर पर। दोस्तों अगर बात की जाए फोटोग्राफर के वाले से, दोस्तों सबसे पहले आपके पास जो है वो कैमराज होते हैं, मोबाइल फ़ोन्स होते हैं और जितनी चीज़ें जिनसे आप कैमराज हो गया मोबाइल फ़ोन्स हो गया, अगर आप इनसे तस्वीरें खींचते हैं, आपका शौक इसमें बहुत ज़्यादा है, तो आपने ये नोटिस किया होगा कि आप बहुत अच्छी तस्वीरें खींच सकते हैं। क्योंकि पहले इसके लिए हमारी जो है तस्वीर साजी के हवाले से कि आप अच्छी तस्वीर खींचने के बारे में जानते हो कि कौन सी साइड से किस तरह की पिक्चर ली जाए तो सबसे बेहतरीन होगी। तो तस्वीर साजी अगर आप फोटोग्राफर की फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपके पास आपने खुद के बलबोते पर जिसको कहते हैं इस चीज़ को लाजमी तौर पर सेट करना है कि आपने जो है वो तस्वीर साजी की सलाहियत आपके पास लाजमी तौर पर होनी चाहिए, तस्वीर खींचने के हवाले से लाजमी तौर पर ये सलाहियत आपके अंदर होनी चाहिए। दूसरी स्किल हमारे पास जो आती है वो आती है कैमरे के आगे लोगों को खड़ा करने की सलाहियत। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है, जब आप फोटोग्राफी के फील्ड में जाते हैं तो आपका तकरीबन हर शोबे से ही ताल्लुक वाबस्ता हो जाता है। तो आप अगर किड्स के हवाले से बात की जाए, आप शादी ब्याह प्रोग्राम के हवाले से बात की जाए, या आप किसी प्रेस के हवाले से अगर बात की जाए, या किसी अखबार के हवाले से तस्वीर खींचते हैं, स्पोर्ट्स के हवाले से बात की जाए, तो आपको तस्वीर खींचना इतना ज़्यादा मतलब कि आपको इसमें ये स्किल जो आपको मैं दूसरे नंबर बता रहा हूँ अभी, ये स्किल आपको हर शोबे में काम देगी। आप जिस मर्जी शोबे में अगर आप वीडियो चाहते हैं लोगों को पुरसकून बनाना, जैसे आपको मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, अगर शादी की तकरीब होती है तो उसमें आप फोटोग्राफर एज अ फोटोग्राफर अगर काम करते हैं तो उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा कम से कम अगर ग्रुप फोटो ली जा रही है तो कम से कम 10 से 15 लोग जो है उस ग्रुप फोटो में होते हैं, लेकिन कोई मतलब कि टेढ़ा खड़ा होता है, कोई मतलब मुसलसल हिल रहा होता है, कोई मुसलसल बात कर रहा होता है, जिससे आपकी एक फ़ोटो जो है क्लिक नहीं हो रही होती। तो आपके पास ऐसी स्किल्स होनी चाहिए कि उनको एक साइड पर मतलब एक ही पोज के साथ जो है वो खड़ा करने की मतलब सलाहियत होनी चाहिए आपके पास, कि उनको आप कह सकें कि भाई थोड़ा सा इस साइड पे या इस साइड पे हो जाए, या मतलब कि थोड़ा सा सुकून से खड़े हों, या इस तरह की जितनी चीज़ें आप इस चीज़ के बारे में जानते हैं जिससे अच्छी फोटो आ सकती है, इस तरह के काम अगर करवाना चाहें तो आप उनसे करवा सकते हैं। तो ये स्किल आपके पास लाजमी तौर पर होनी चाहिए, लोगों को कैमरे के आगे पुरसकून बनाने की मतलब कि एक जगह ठहराने की जिसको आप कह सकते हैं, ये स्किल आपके अंदर लाजमी होनी चाहिए अगर आपने फोटोग्राफर की फील्ड में कामयाब होना है। दोस्तों उसके बाद अगर बात की जाए तीसरे नंबर की स्किल के बारे में, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अपनी मैं तकरीबन हर वीडियो में आपको इस स्किल के बारे में बताता हूँ, लेकिन ये थोड़ी सी इसमें एडवांस होने वाली है क्योंकि इसके अंदर फील्ड आ जाती है। अगर कोई फील्ड नहीं है तो कंप्यूटर चलाने की महारत आपके पास जो है लाजमी तौर पर होनी चाहिए। आपको मैंने तकरीबन हर वीडियो में ये बताया है, लाजमी तौर पर समझाया कि भाई कंप्यूटर चलाना सीख लें, कंप्यूटर सीख लें और कंप्यूटर चलाना लाजमी तौर पर सीख लें ताकि आपको इससे फ़ायदा हो सके। अब फोटोग्राफर के पास जो है कंप्यूटर की क्यों स्किल होनी चाहिए, क्यों ज़रूरी है, कंप्यूटर बेसिक चलाना आनी चाहिए लेकिन उसके साथ कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर जो कि फोटोग्राफी के हवाले से इस्तेमाल किए जाते हैं वो लाजमी तौर पर आनी चाहिए अगर इस फील्ड में आपने कामयाब होना है, क्योंकि सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं इस फोटोग्राफर की फील्ड में, क्योंकि इसका काम जो तस्वीर साजी का है, ये तस्वीर साजी इतनी ज़्यादा मतलब कि अगर कोई पिक्चर क्लिक होती है उसको क्रॉप वगैरह करना पड़े, उसको रोटेट करना पड़े, थोड़ा सा मतलब कि स्ट्रेच करना पड़े उसको, तो वो चीज़ करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर का सहारा लेना पड़ता है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपके पास फोटोग्राफर की फील्ड अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर ज़रूरी लाजमी तौर पर आनी चाहिए। मैं आपको एक दो सॉफ्टवेयर बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास फोटोशॉप सॉफ्टवेयर जो है वो आ जाता है, उसके बाद कोरल ड्रॉ आता है और इलस्ट्रेटर भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है,
और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर अगर आप इस फील्ड में सर्च करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो अगर आपने फोटोग्राफर बनना है तो आपको कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के हवाले से लाजमी तौर पर पता होनी चाहिए, उनकी न्यू जो अपडेट्स आती हैं, न्यू वर्जन आते हैं, उनमें क्या क्या न्यू फीचर्स आते हैं, किस चीज़ से हम फोटो को कितना बेहतर कर सकते हैं। इसकी एक और मैं छोटी सी मिसाल आपको देता चलूँ, अगर आपको किसी वेडिंग के हवाले से सेरेमनी में एज अ फोटोग्राफर बुलाया जाता है, उसके बाद आपको कहा जाता है कि अगर आपकी शॉप है तो आपको कहा जाता है कि भाई हमें एल्बम तैयार करके दें, तो आप जब एल्बम तैयार करते हैं तो फोटोज़ को पहले डिज़ाइन करते हैं, उनके डिजाइन के वाले से उनकी मुख्तलिफ चीजों को, उनके मुख्तलिफ एंगल्स को देखने के बाद जो है वह तस्वीर को तैयार करते हैं, उनको क्रॉप स्ट्रेच जितनी चीजें उसमें होती हैं फोटोग्राफी में वो चीजें आप करते हैं। तो ये आपके लिए जो स्किल है ये लाजमी तौर पर होनी चाहिए कि आप कंप्यूटर्स के सॉफ्टवेयर जो है वो लाजमी तौर पर चलाना जानते हो। दोस्तों तो चौथे नंबर में हमारे पास जो स्किल आती है वो है भारी सामान उठाने की और पोस्चर बदलने की। दोस्तों आपके पास जिस्मानी सेहत, जिस्मानी ताकत इतनी होनी चाहिए, आप स्मार्ट इतने होने चाहिए कि आपके पास जो कैमरे के आलात वगैरह वो उठा सके, और बार बार पोस्चर बदलना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस फील्ड में। तो आपके पास ये दोनों स्किल्स लाजमी तौर पर जो है वो होनी चाहिए कि आप भारी सामान उठा सकें। दोस्तों आपको एक मिसाल देते हैं, अगर आपने कहीं प्रेस के वाले से जाना है तो आप एज अ फोटोग्राफर अगर जा रहे हैं तो आपने पिक्चर जो खींचनी होती है उसके लिए आपके पास स्टैंड होते हैं जिनको आप ट्राइपॉड्स भी कहते हैं, उसके बाद कैमराज होते हैं, उनके पास लेंस होते हैं और उनके बैटरीज वगैरह काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं जिनको आपने उठाना होता है। तो आपकी जिस्मानी सेहत अच्छी तरह से होगी तो आप इसको जो है वो कर सकते हैं अच्छी तरह से, इसको मतलब कि अपने काबू में जिसको कह सकते हैं कर सकते हैं हर सामान को, जब आपके पास जिस्मानी सेहत होती है और आप इसके ऊपर जो है वो काम कर रहे होते हैं। तो इसके साथ साथ आपने बार बार पोस्चर बदलने हैं, इसके लिए भी आपको जिस्मानी सेहत की ज़रूरत होती है, क्योंकि हर एंगल से तस्वीर लेना आपके लिए जो है वो किसी वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसके लिए फिर आपको कभी नीचे होना पड़ता है, कभी झुकना पड़ता है, कभी राइट लेफ्ट, इस तरह आपके पास जो है उन चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बार बार पोस्चर बदल सकें और अपने भारी सामान को जब उठा सके तो आपके पास जिस्मानी सेहत जो वो लाजमी तौर पर होनी चाहिए, आप इतनी सेहतमंद होने चाहिए कि आप इन सारी चीज़ों को उठा सके और बार बार पोस्चर जो बदल सके अगर आपने फोटोग्राफर की फील्ड में लाजमी तौर पर जो कामयाब होना है। दोस्तों अगर बात की जाए पांचवी और आखिरी स्किल के बारे में तो ये हमारे पास रोशनी के हवाले से है, रोशनी के हवाले से कि आप रोशनी में फोटोज़ को जो है वो क्लिक करना, आपके पास अच्छा तजर्बा होना चाहिए इस चीज़ के हवाले से कि आप जो है वो रोशनी अच्छी रोशनी के मुताबिक जो है पिक्चर को खींच सके, जहाँ पर रोशनी अच्छी आ रही है, जहाँ पे जैसे बाज़ वक़्त ऐसे होता है कभी लाइट्स जल रही होती हैं तो फेस के ऊपर आ रही होती तो तस्वीर थोड़ी सी ब्लर सी इस तरह की हो जाती है, या उनको मतलब कि सही ट्यून नहीं बन सकती उसकी। तो आपके पास ऐसी स्किल होनी चाहिए कि आप कौन से एंगल से तस्वीर लें तो वो तस्वीर अच्छी आ सकती है, क्योंकि जब गेस्ट वगैरह जिसको आप कह सकते हैं उनकी तस्वीर जब लेनी होती है तो आप उनको आगे पीछे जो है नहीं कर सकती, आपको एक एंगल ढूंढना पड़ता है कि आप किस साइड से फोटो खींचे क्लिक करें तो आपके पास अच्छी तरह से फोटो आ सके। तो अगर आपने इस फील्ड में जाना है तो आपके पास ये पांचवी स्किल लाजमी तौर पर होनी चाहिए रोशनी के हवाले से कि आप जिसको रोशनी में प्यारी सी पिक्चर जो है खींच सके। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो हमारी जो अपलोड होती जा रही है आपको बहुत पसंद आ रही होंगी, इस वीडियोस को आप लाइक भी करते होंगे। अगर आपको कोई कमेंट आता है तो वीडियो को जैसे मैंने शुरू में कहा कि आप कमेंट करते हैं आपको किस चीज़ के ऊपर जो है वीडियो चाहिए, मैं वेब डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट के हवाले से वीडियोस अपलोड कर सकता हूँ अगर आपकी ख्वाहिश हो तो। उसके अलावा मैं आपको कैरियर गाइडेंस के हवाले से तो वीडियोस अपलोड कर दूँ, मैं आपको एजुकेशन के हवाले से वीडियोस जो अपलोड कर सकता हूँ, कंप्यूटर के हवाले से और एंड्रॉयड या फोन्स के हवाले से, स्मार्टफोन्स के हवाले से आप जिस तरह की आप मतलब के चाहते हैं उस तरह की आपके लिए वीडियोज अपलोड हो सकती हैं, अगर आप कमेंट करते हैं अपना फेवरेट टॉपिक और उसके साथ उसका बता देते हैं कि भाई हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो इस चीज़ को समझा दें, तो लाजमी तौर पर इस चीज़ के हवाले से वीडियो बना दीजिए अगर आप इस हवाले से मतलब चाहते हैं। और बाकी मैं क्या चाहता हूँ किसके लिए तो वो आप डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं कि मैंने क्या चीज़ मतलब कि चाहिए हुई, या उसके यूट्यूब चैनल जो उसके अबाउट सेक्शन में जाकर आप चीज़ें जो है पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आती है जिसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी इससे फ़ायदा हो सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जो है वो लाजमी तौर पर प्रेस करें और ताकि आपके पास जो नोटिफिकेशन है वो लाजमी तौर पर पहुँचते रहें। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।